एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग संतोष वर्मा ब्लॉग। मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सेना जी। आज है दिन सैटरडे का और मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ, तो पूजा के लिए लगा ले रही हूँ थाली। तो यहाँ पे मैंने धूप बत्ती रख ली है, और जो ये दो डब्बे एक से देख रहे होंगे आप लोग, तो एक में धूप बत्ती है और एक में कुछ खुले पैसे हैं। और पहले भी ये धूप बत्ती का ही डिब्बा था जो ख़त्म हो गई थी, जिसमें धूप बत्ती, तो उसको मैंने अच्छे से वॉश करके और उसमें खुले पैसे रखने शुरू कर दिए हैं। तो देखिए, ये जो हमारा डिब्बा है जिसमें धूप बत्ती आती है, ये वाले डिब्बे भी रीयूज़ हो गए, और नहीं तो देखिए फेंकने पड़ते हैं। तो इस तरह से मैं कुछ ना कुछ इन सामान डिब्बों में पूजा का ही सामान रख लेती हूँ इस तरह से, और जो जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो मैं घर से ही लेके चलती हूँ, और जो नहीं हो पाता है मेरे पास पॉसिबल, तो वो सामान फिर मैं वहीं मंदिर से ही ले लेती हूँ। तो उसके लिए मुझे खुले पैसे की नहीं, बंदे पैसे ले जाने होते हैं, और वहाँ से सारा सामान मिल जाता है। तो पूजा करने के बाद में अब आ गए हैं घर पे, तो अभी घर की भी पूजा बाकी है हमारी। तो चलिए अब पूजा कर लेते हैं घर पे भी और आरती भी कर लेते हैं। मुझको बस तुझसे कहना जी, नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जागूं रे, मोहब्बत आप सभी को आरती भी दे दी है। और आरती करने के बाद में अब मैं भी आरती ले लूँगी, भगवान जी को भी आरती दे दूँगी। तो इस तरह से हमारी पूजा का समापन होता है, और अब चलेंगे घर के नाश्ते वगैरह की ओर, क्योंकि अभी सुबह से सिर्फ पूजा पूजा का काम हुआ है, अभी घर का काम बाकी रह गया है। तो मशीन में मैंने कपड़े लगा दिए थे, तो मशीन में कपड़े भी धुल गए हैं, और कुछ ना कुछ देखिए हेल्प तो हमारे हस्बैंड भी कराते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको क्रेडिट नहीं दूंगी इस चीज़ का। तो देखिए वो भी बहुत हेल्प कराते रहते हैं। तो जब मैं मंदिर चली गई थी, उन्होंने पीछे से मशीन को ही देखते रहे थे, क्योंकि देखिए कपड़े ही डालना एक मशीन में काम नहीं होता, फिर बाद में उसे देखना भी पड़ता है, बार बार चलाना भी पड़ता है, और जब मशीन में से कपड़े साफ़ हो जाते हैं तो फिर उसका पानी भी निकाल के दूसरा पानी डालना पड़ता है। तो ये सारे काम मेरे हस्बैंड ने पीछे से मेरे कर दिए थे, और मैं चली गई थी उनके ऊपर इस काम को छोड़ के मंदिर के लिए। तो वहाँ पे भी जाके देखिए मेरे कम से कम एक घंटा तो आराम से लग जाता है, उस एक घंटे को ये पीछे से मेरे रीयूज़ करते रहते हैं, तो काफ़ी हेल्प करा देते हैं। और जब तक ये जाते हैं तब तक मैं काफ़ी काम निपटा भी लेती हूँ। और यहाँ पे पानी हमारा भर चुका था, तो ओवरलोड हो रहा है पानी, लेकिन पौधों में पानी डालना बहुत ज़रूरी है। बीच में ना बारिश बहुत अच्छे से आ रही थी, तो फिर पानी नहीं डाला जा रहा था, लेकिन अब उमस इतनी हो रही है और बारिश भी नहीं आ रही है और धूप भी बहुत तेज़ रहती है, तो इसलिए पौधों में पानी डाला जा रहा है। और ये ऊपर की तरफ को देख रहे हैं जहाँ टंकी रखी हुई है, तो ये तो आती है, हर बार आती है। यहाँ पे कुछ कचरा वगैरह अटक गया लगता है जाली में, तो वहाँ पे ना बहुत पानी रुक रुक के एकदम आ रहा है जाली में से, और फिर कभी एकदम मंदा हो जाता है, कभी तेज़ हो रहा है। तो बोल रहे हैं इस चीज़ के लिए कि यहाँ पे कुछ अटक रहा है जाली पे। और ये देखिए मैंने ना अपराजिता के जो बीज होते हैं, इसके खुद के बीज तैयार होते हैं, जो ये फूल आ रहे हैं अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये जो हमारा ब्लू कलर का जो फूल होता है ना, ये अपराजिता में होता है, इसमें वाइट कलर के, ऑरेंज कलर के, काफ़ी कलर के किस्म के ये फूल होते हैं जो अपराजिता की बेल होती है। तो ये वाले फूल के संग संग इसके बीज भी तैयार होते हैं, तो वही सारे बीज मैंने, जब ये बारिश का सीज़न हुआ था अभी शुरू, बीच में काफ़ी दिन तक बारिश पड़ी थी, तो मैंने जगह जगह पे गमलों में डाल दिए थे बीज इसके। तो उससे क्या हुआ है कि जगह जगह हर मतलब थोड़े थोड़े दूरी पर ही जो गमले हमारे रखे हैं, जो हमारे पोट रखे हैं, इसी में ही काफ़ी सारी बेल निकली आई है। तो मैं वही आपको दिखा रही थी कि देखिए जितने भी बीज हुआ करें उन्हें कलेक्ट करके रख लीजिए, या फिर फेंकने से अच्छा है कि इन्हीं के पोट में डाल दीजिए, जो ये फ्लावर पोट होते हैं इसी में डाल दोगे ना आप लोग, तो कभी ना कभी ये अंकुरित हो ही जाते हैं और फूट जाते हैं, तो उसमें से नया पौधा अपने आप निकल जाता है। तो पहला पौधा अगर मरता है, ख़राब होता है, तो वो अपने साथ साथ दूसरा बीज तैयार करके जाता है। और मैंने एक बार ये अपराजिता की बेल खरीदी थी,
तो करीबन मुझे 50 की यानी 60 रुपए की ऐसे मिली थी, छोटा सा पौधा। लेकिन उसके बाद में तो मैं अपने आप ही ये इस तरह से कवर करती चली जा रही हूँ, और अब तो मेरे पास में कम से कम नहीं 7-8 अपराजिता की स्टेम बेल होंगी। और एक तो बेल आप लोगों को मैंने दिखाई ना कितनी बड़ी हो रही है, और ये मैंने नींबू के उसमें डाल रखी थी, जो नींबू के मैंने बाल्टी में लगा रखा है ना 20 लीटर की बाल्टी में नींबू का प्लांट, तो उसी में मैंने ये बीज डाल दिए थे और ये उसी में ही फूट के इतनी बड़ी बेल इकट्ठी हो गई, तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी इस तरह से ज़रूर किया कीजिए। कोई भी जो बीज इकट्ठा होता है पौधे का, उसको फेंकने से अच्छा है तुरंत ही उसी में डाल दीजिए, या झड़ता है तो पास में रखोगे ना, और बहुत सारे पौधों को जो पौधों के गमले होते हैं तो वो उनमें भी झड़ झड़ के गिरते रहते हैं, तो अपनी पौध वो नहीं खुद तैयार करते रहते हैं। तो इसी तरह से मेरा रखा रहता है, और इसी तरह से मेरी ये छोटी सी फुलवाड़ी है वो बढ़ती रहती है अपने आप, और मुझे इसमें कुछ भी करना नहीं पड़ता है। जो घर का वेस्ट निकलता है वो डालती रहती हूँ, और देखिए ना तो मैं इसमें खुदाई करती ना कुछ भी करती, सिर्फ एक पानी ज़रूर देती हूँ, बाकी मैं इसके ऊपर ना तो कोई फर्स्ट वो जो कहते हैं ना फर्टिलाइज़र वगैरह या खाद वगैरह देना, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, कुछ भी जिसे कहते हैं मैं कुछ नहीं करती हूँ, सिर्फ अपने घर का जो वेस्ट निकलता है और ये चाय पत्ती वगैरह जो निकलती है बस इसी को ही डाली आती हूँ। और डालने के बाद में कभी समय मिला तो खुरपी से खोद दिया ही, नहीं तो हमारा चाकू होता है उससे खोद दिया ही, चम्मच मिल गई चम्मच से खोद लिया, मतलब मैं उसको हल्की हल्की खुदाई सी कर देती हूँ, बाकी कुछ नहीं। और ये मेरे ऐसे ही पौधे चलते था। तो जब मशीन में कपड़े धुल गए थे तो मैं ऊपर के ले जा रही थी, तभी मैं ये ले भी आई थी, और ले के आने के बाद में अब मैंने सारे मशीन में से जो भी कपड़े धुले थे इन्हें सबको बीच वाले पोर्शन में सुखा दिया है, और अब मेरी तबीयत पहले से काफ़ी ठीक है, जिसे कहते हैं काफ़ी सुधार आ चुका है। मेडिसिन मेरी चल रही है अभी भी, लेकिन अब मुझे कोई भी इतनी परेशानी वाली बात नहीं लग रही है। हाँ देखिए थोड़ा बहुत तो अभी चलेगा, क्योंकि दवाई लंबे समय तक बताई है इस चीज़ की, और योगा भी बताया है, तो योगा तो मुझ पे नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ जितना हो सकेगा उतना ज़रूर करूँगी। एक तो घर का काम ही इतना होता है ना कि योगा करने का समय ही नहीं होता, सुबह से 6 बजे उठ जाऊँ चाहे 5:30 बजे यही मेरा उठने का समय होता है, और उसके बाद तो सारा दिन लगा रहो ना तब भी ख़त्म नहीं होता घर का काम, और ऊपर से ये योगा और बता दिए डॉक्टर ने, पर चलिए देखेंगे जो होगा आगे वो देखा जाएगा। और फिलहाल हम कर लेते हैं अब घर का काम, अभी तो सिर्फ मैंने कपड़े ही सुखाए हैं और बच्चों को नाश्ता वगैरह बना के दिया है, और मैंने भी नाश्ता कर लिया है क्योंकि मुझे दवाई लेनी थी इसलिए समय से नाश्ता कर लिया है, और अब करूँगी किचन की क्लीनिंग। और ये बर्तन इकट्ठे सारे हो रहे हैं, इनको भी वॉश करना है। सबसे पहले मैं बर्तन ही वॉश करूँगी और बाद में किचन को क्लीन करूँगी अच्छे से। तो ये कितने सारे बर्तन रखे हैं ना, तो जो सुबह मैंने धो के रखे थे, जब चाय बनाती हूँ जो एक आध दो बर्तन होता है उन्हें सबको मैं साफ़ करके रख देती हूँ साथ के साथ, और ये सारे के सारे मैंने बर्तनों को वॉश करके रख दिया था, क्योंकि बच्चे सुबह स्कूल के लिए तो गए नहीं थे क्योंकि आज उनका सैटरडे था, और सैटरडे वाले दिन ज़्यादातर ना होता क्या है, या तो स्कूल से छुट्टी मिल जाती है, नहीं ये लोग खुद भी कर लेते हैं, तो आज इन लोगों ने छुट्टी कर ली थी, और छुट्टी का ये था कि फिर मुझे इन लोगों के लिए लंच वगैरह तो बनाना नहीं था, तो जो भी थोड़े बहुत बर्तन थे सुबह चाय वगैरह के वो सारे मैंने वॉश करके रख दिए थे। अब उसके बाद में अपने जो घर के बर्तन थे नाश्ते वगैरह वाले वो भी मैंने वॉश करके रख दिए हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कॉमेंट करके बताइए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तभी तो आगे बढ़ूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने किचन की भी साफ़ सफ़ाई करनी शुरू कर दी है, और यहाँ पे मेरे बर्तन भी वॉश हो गए हैं, किचन भी वॉश हो गई है, अच्छे से क्लीन हो गई है, सॉरी वॉश कह रही हूँ, किचन भी क्लीन हो गई है, और अब ये मैं टाइल्स वगैरह सारी साफ़ करके रखूँगी। तो बहुत मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो कह रहे थे कि आप थोड़ा धीमा बनाया कीजिए, ज़्यादा जल्दी जल्दी एडिटिंग मत किया कीजिए, फास्ट मत करके वीडियो बनाया कीजिए,
तो आज उनके लिए मैंने थोड़ा धीरे धीरे वाला बना रही हूँ व्लॉग, क्योंकि ना देखिए आप लोग जैसा चाहते हैं वैसा ही मैं बनाने की कोशिश करती हूँ व्लॉग को, लेकिन जितना पॉसिबल हो सकता है उतना। हर एक बात तो नहीं देखिए किसी की भी मानी जा सकती। मेरे घर का रूटीन कुछ और तरीके का है, आप लोगों के घर का रूटीन कुछ और तरीके का होगा, तो जिस हिसाब से मेरे घर का रूटीन है मैं उसी हिसाब से ही काम कर सकती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं आज सुबह मंदिर गई थी ना, तब मैंने ये ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी। तो फ्रेंड्स अब लूँगी आप लोगों से इजाज़त, फिर मिलूँगी अगले व्लॉग वीडियो में। और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मुझे आगे बढ़ाना है, मुझे सपोर्ट कीजिए। तो अब लेती हूँ इजाज़त, बाय बाय।